जी व्यूअर्स, तो मड डॉवर्स ने यहाँ पे एक नेस्ट बनाया और यह देखें एक और वास्प ने इसके नेस्ट पे कब्जा करना चाहा और यहाँ पे इसने अपने अंडे दे दिए हैं। डियर व्यूअर्स, काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू। और यहाँ पे इनकी लड़ाई भी होती है और बहुत ही फाइटिंग के बाद ये कामयाब हो जाता है और दूसरा वास्प काफी लड़ाई के बाद कामयाब हो जाता है और अपने अंडे इसके नेस्ट में दे देता है। पूरी वीडियो देखें, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे एक वास्प ने बहुत ही बड़ा नेस्ट बनाया था और इसका दुश्मन वास्प जो है मक्खी वो आती है बाद में, वो सर्च करती है कि कहाँ पे मैंने अंडे देने हैं। तो पहला जो वास्प है उसने अपने लार्वास अंदर डाले हुए हैं, उसमें अंडे दे के इसको कवर किया हुआ है। तो दूसरा जो वास्प है उसको देख रहा है कि कहाँ पे इसके अंडे हैं, कहाँ पे वो सुराख है। ये सुराख को सर्च करके अंदर अपने अंडे दे देता है और चला जाता है, फिर वो बंद कर देता है। वो पहला वास्प देख रहा है कि कौन सी जगह ठीक नहीं है, ऊपर से वो उसको कवर कर रहा है। दूसरा वास्प कंटिन्यूसली सर्च कर रहा है, उसको पता चल जाता है कि किस जगह पे इसका लार्वा है, वो उसके अंदर अपने अंडे दे देते हो और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपनी कोशिश में लगा हुआ है और आखिरकार वो सक्सीड हो जाता है। और देखिए पूरी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें उसने, इसमें बास परिंदे भी ऐसे ही होते हैं जैसे वो दूसरे के नेस्ट में बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं और वहीं वो पलते फूलते हैं। और इसी तरह इंसेक्ट्स में भी ये बात है, ये पता चलेगा कि जो इंसेक्ट्स है, जो वास्प है, जो छोटी मक्खियाँ होती है, वो किस तरह अपनी अफजाइश करती हैं। तो बहुत ही वीडियो अच्छी है, ज़रूर देखते रहें इसको। तो यहाँ पे इसने उसका सुराग ढूंढ लिया और यहाँ पे अपने अंडे देगा और
जो पहले वाला वास्प है जिसका ये नेस्ट है वो ऊपर से कवर कर देगा, और इसकी जो अफसाइश है इधर ही होती रहेगी और दोनों की नस्ल जो है बढ़ती रहेगी। तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।